हम इवाम मोनेस्ट्री पहुंचने वाले हैं। उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना जंगल जैसा है, पेड़ है, और ये आप देखिए यहाँ पर ये मकान का लुक, और सामने जो है गार्डन जैसा जो दिख रहा है, और ये सामने पहाड़ है, और यही है मोनेस्ट्री, इवाम बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री नाम है। हम उस जगह चल रहे हैं, अभी वहाँ पर जानकारी करते हैं, अंदर की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पर ये आपका देखिए, ये यहाँ पर रोड का जो बनाया गया है, वो जगह का नाम लिखा गया है। तो ये सामने है इवाम मोनेस्ट्री, सामने इसके पीछे पहाड़ है, पूरा एकदम पहाड़ी है, लेकिन हाँ पहाड़ी ये है, खूबसूरत पहाड़ी, इस पहाड़ी को देखने लायक है, जाने लायक है, उधर अगर जाने लायक रास्ता हो। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है ये, हम देखिए यहाँ पर ये सामने जो झाड़ दिख रहा है कितना खूबसूरत है। यहाँ पर सागवान के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं, और मोटे मोटे सागवान हैं, और पूरा ये चारों तरफ सागवान ही अधिकतर है यहाँ पर। लेकिन ये रंग बिरंगी यहाँ पर जो अलग अलग रंग के पत्ते यहाँ पर इस झाड़ के दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हरा भी है, पीला भी है, लाल कलर के भी हैं। यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को हम अभी ले चल रहे हैं, पास में आ चुके हैं, अभी हम गेट पे पहुँचने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर देखिए भिक्खु लोग हैं यहाँ पर। हम बाहर से मोनेस्ट्री को दिखा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ हम गेट को आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर समय है 9 बजे से शाम 5 बजे तक एंट्री करने का, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। हम इवाम मोनेस्ट्री में प्रवेश करने जा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर देखिए ये इवाम इंडिया मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज है, और यहाँ पर देखिए ये हम अंदर गेट के माध्यम से प्रवेश करने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2018-19, इसके पहले भी है 22 अक्टूबर 2009, इसके पहले भी है। गेट के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए सामने मोनेस्ट्री है। यहाँ पर देखिए ऑफिस बनाया गया है, यहाँ पर बिना पूछताछ के, बिना चेकअप बैग है या कोई भी सामान रखा हुआ, बिना चेक के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए गार्ड हैं सुरक्षा के दृष्टि से, और ये गार्ड की ड्यूटी है यहाँ पर, जो भी कोई आए थैला बैग है तो दिशा निर्देश देते हैं। यहाँ पर जो भी बताया गया है इस मोनेस्ट्री के अंदर प्रवेश करने से पहले क्या क्या यहाँ अंदर पालन करना है, और ये सामने आपका दिख रहा है, ये देखिए पार्किंग भी अच्छा है, खूबसूरत जगह भी है। ये मोनेस्ट्री कई साल पुरानी भी है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। सामने वहाँ पर ऑफिस बनाया गया है, पूछताछ ऑफिस है, और कैंटीन भी है सामने, कैंटीन भी है। और हम धीरे धीरे चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बंगला भाषा लिखा गया है। ये बहुत बढ़िया पार्क भी है अंदर, और लोग घूमने टहलने के इरादे से भी आ सकते हैं इस मोनेस्ट्री को, दूर दराज के लोग भी आकर देख सकते हैं। हम चल रहे हैं, हम आपको बाहर की ही पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, अभी अंदर भी जाएंगे। और ये मोनेस्ट्री कितना अच्छा बनाया गया है,
इसके पहले मैं सबसे पहले बाहर बाहर का आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर कोई इस समय गाइड नहीं है कि जो इस मोनेस्ट्री के बारे में बताए, इसलिए मैं जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है जिस हिसाब से इसी के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ जानकारी ऑफिस में जा कर के लिया और बिना परमिशन के यहाँ शूटिंग भी नहीं की जा सकती है। तो बताया गया कि कोई इसमें बताने वाला नहीं है और क्योंकि यहाँ पर शिक्षण संस्थान भी चलते हैं। और यह मणिचक्र है, इसमें अवलोकितेश्वर के धारणी उमड़ पद्मे हूँ लाखों की संख्या में भरा हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप की पुण्य मिलता है। कृपया बाएं हाथ की ओर घुमाएं, बहुत ही सब मंगल है। इसको घुमाना चाहिए, ये लिखा गया है। हम उधर चलते हैं, इस तरफ से दिखाते हुए आते हैं। ये मोनेस्ट्री जैसे आपका लुम्बिनी में बनाया गया उसी तरह एकदम है, बहुत डिजाइन से, बहुत ही समय लगा होगा इसको बनाने में। और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से आपको ऊपर प्रवेश करना पड़ेगा अंदर, लेकिन हम अभी अंदर नहीं जाएंगे। इसके पहले हम आपको बाहर की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं और ये हम देखिए लोग इसको घुमा रहे हैं, ये ऐसे ही इसको घुमाना चाहिए। और ये हम आपको अभी दिखाएंगे। और यहाँ पर इसको हम भी घुमाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए सामने एक हैं जो बस्ती उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं, नाम है परमात्मा प्रसाद। ये आपका बहुत बड़ा स्तूपा जैसा बनाया गया है, ये आपका भगवान बुद्ध की प्रतिमा है यहाँ पर है स्थापित। इसी तरह इसको हम घुमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखिए आपका हॉस्टल जैसा बनाया गया है यहाँ पर। ये अभी हम ऊपर भी जाएंगे, अभी हम नीचे का ही कुछ दृश्य दिखा रहे हैं आपको बनाया गया है। ये यहाँ पर भी आपका रूम है, रहने के लिए है क्या है, कोई गाइड होता तो थोड़ा बताता, जानकारी मिलती हमें है। इसकी कटाई छटाई हो रही है और यहाँ पर भी देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और ये स्तूपा जैसा बनाया गया है।
यहाँ पर। ये यहाँ पर भी देखिए धर्म स्तूपा है, और ये देखिए कैसे ये घूम रहे हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं इस समय। ये इवाम मोनेस्ट्री का है दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पर देखिए गार्डन में हिरण का बच्चा बनाया गया है, और भी आगे देखिए कुछ यहाँ पर बनाए हैं। ये बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ शंकर गणेश और भी प्रतिमा किस उद्देश्य से स्थापित है ये हम बता नहीं सकते हैं यहाँ पर इस मोनेस्ट्री में। ये मोनेस्ट्री आपका देखने लायक है, अच्छा है, अच्छा बनाया गया है, लेकिन अभी एक चीज़ यही देखा गया तो ये समझ से थोड़ा परे है कि यहाँ पर भी ये चीज़ ये शायद यहाँ पर पढ़ाई होती है। रेसिडेंटल आवास बनाया गया है, रेसिडेंटल ब्लॉक सी बनाया गया है, नाम है। आप लोग गेट पे ही मुझसे मिले थे, हम चल रहे हैं। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत जानकारी आप देंगे, ये जैसे ये यहाँ पर कुछ पढ़ाई भी होती है, ये स्कूल है ना जो, हाँ हाँ, बच्चे लोग के जो अभी क्लास, अभी तो आप यहाँ माली का सेवा दे रहे हैं, माली का, ठीक है। तो यहाँ गार्डन की काटाई छटाई कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी और जानकारी मुझे आपसे चाहिए। जैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, शिक्षण संस्थान चलते हैं, तो यहाँ लड़कियों के लिए है ज़्यादातर, जो भिक्खु भिक्खु के रूप में रहते हैं, भिक्षुणी बन के, हाँ, सामरे भिक्षु जिसे कहते हैं। तो यहाँ कहाँ पर शिक्षण संस्थान चलता है, कहाँ पर हॉस्टल है, और कहाँ पर आचार्य लोग जो यहाँ पर पढ़ाते हैं इन लोग का जो क्लास चलते हैं इसी में। अच्छा अच्छा, उसमें क्लास चलता है, इसमें क्लास चलते हैं, इन लोग का जो हॉस्टल है, हाँ हाँ, यही है। अच्छा अच्छा, जो ये लोग सब सारा लड़की लोग का है, अच्छा, लड़का का इसमें अलाउ नहीं है, हाँ हाँ, जो क्लास। अच्छा, तो यहाँ जो मेन भिक्खु यहाँ पर क्लास में शिक्षा देते हैं, अच्छा, वो भिक्खु हैं या अभी नहीं है? अभी टीचर लोग, हाँ हाँ, जो अभी उन लोगों को छुट्टी में गया हुआ। अच्छा, छुट्टी में गया हुआ है, अच्छा, इसके लिए अभी क्लास इन लोग का मई महीने से स्टार्ट होगा। अच्छा, मई महीने से छुट्टी में इन लोग निकल गया इस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कितने दिन तक चलता है, जैसे छुट्टी कब मिलती है बच्चों को, और कब कब क्लास चलता है? इन लोग को सैटरडे संडे को छुट्टी, हाँ, और सारा दिन तो इसको इन लोग को चलते क्लास चलते रहते हैं। अच्छा, अभी इन लोग को गर्म का छुट्टी कुछ दिन मिलते हैं। मेरा तो घर। अच्छा, आप यहाँ कब कब से सेवा दे रहे हैं? मेरा 2013 से, 13 से, जून 4 तारीख से। अच्छा अच्छा, मेरे 10 साल इधर ही चल गए, मेरा घर इधर ही है। अच्छा अच्छा, इसी के बाद सुबह 9 से 5 शाम तक सारा दिन कर ली मैं इधर ड्यूटी, शाम को तो निकलना है अपना घर। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ भिक्खु लोग कितने हैं, कितने भिक्खु लोग रहते हैं? सो पूरा मिला के तो 100 प्लस ही होगा। 100 प्लस होगा, अच्छा, 100 प्लस, 100 प्लस, अच्छा। और जो शिक्षण के लिए सामने भिक्षु यहाँ पर हैं, वो कितने एक संख्या में होगी, संख्या क्या होगी? जो जो पढ़ाई करने वाले, हाँ हाँ, करीब उन लोग होगी 60-70। 60-70, 70 तो होना चाहिए। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल से होंगे, विदेश के भी होंगे? विदेश जैसे दार्जिलिंग, भूटान, सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल, सभी जगह का इधर ही क्लास चलते हैं। अभी जो अभी छुट्टी में उन लोग भी शायद घर गया है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, छुट्टी से। ये देखिए आपके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो भिक्खु लोग हैं गए हैं, अपने आचार्य लोग जिसे कहते हैं पढ़ाने के लिए, वो लोग गए हैं, अभी घर गए हैं, और यहाँ सिर्फ सामने भिक्षुड़ी के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और नहीं तो अभी ये मई से स्टार्ट होगा सब, अगले महीने लास्ट अप्रैल और फर्स्ट मई से स्टार्ट होगा नया सत्र। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने बहुत अच्छा जानकारी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा किशोर शर्मा। किशोर शर्मा, पंडिया। अच्छा, यहीं के रहने वाले? अच्छा, ये देखिए आप लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
यहाँ सेवा दे करके आ रहे हैं, थोड़ा धूप में थे, काम करके आ रहे हैं, थक गए हैं, बैठे हैं। बैठा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद छेत्री। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोग से। भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर, और हम चलते हैं यहाँ पर बाहर की, कुछ आपको दिखाते हैं। हम इस जगह से शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ये आपका बहुत अच्छी जगह है, ये सामने पहाड़ भी है, हम आपको दिखाएंगे। ये ऐसी जगह है कि अब क्या बताएं, बहुत अच्छी जगह है, मन को शांति दिलाने लायक यहाँ पर आपका ये बौद्ध मंदिर का प्रवेश द्वार है यहाँ पर। इस जगह पर आप, यहाँ पर दान पत्र है, कोई दान भी कर सकता है। अच्छा, ये मोनेस्ट्री को देखने के लिए आप लोग पहली बार आए हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। सिलीगुड़ी से हैं? हाँ, सिलीगुड़ी से। अच्छा, आप लोग कहाँ से? देखिए, आप लोग यहाँ शूटिंग सिलीगुड़ी। हाँ, सिलीगुड़ी से आए हैं यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए। कैसा लगा, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये देखिए, पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है यहाँ पर। ये मोनेस्ट्री आपका युवा मोनेस्ट्री है, जो आपका सिलीगुड़ी से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, आधे घंटे का साधन का रास्ता है। ये हम उसी मोनेस्ट्री के बाहर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सामने भिक्षु लोगों की पढ़ाई होती है, निःशुल्क पढ़ाई होती है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। हमने यहाँ अंदर जानकारी ले लिया पढ़ाई के बारे में, और कोई भी बच्चा आकर के यहाँ शिक्षण संस्थान ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, निःशुल्क है। और लास्ट अप्रैल और प्रथम मई से क्लास चालू होता है। अभी फ़िलहाल छुट्टी चल रही है, लेकिन कोई एडमिशन कराना चाहे तो आ सकता है यहाँ पर, इस मोनेस्ट्री पर एडमिशन ले सकता है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाली हैं, नज़दीक के? अच्छा, आपकी क्लिनिक यहाँ चलती है? हाँ, मेरा क्लिनिक है, मैं एक्यूपंक्चर फिजिशियन हूँ। एक, अगर आपको इस मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो उसको मुझे जानकारी साझा करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य संबोधि, और मैं यही मोनेस्ट्री के बैक साइड में रहती हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है और योगा रिट्रीट में रन करती हूँ। अच्छा, तो ये मोनेस्ट्री है यहाँ पर जो है, ये खासकर बौद्ध भिक्षुनी का मंदिर है, तो यहाँ पर नंस लोग रहते हैं जो कि बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं, और अपने जीवन को एक सन्यासी के रूप में ये लोग अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन हर धर्म के अपने अपने तरीके होते हैं, तो यहाँ पर खासकर ये बौद्ध मंदिर है, तो ये सब बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर होते हैं, ऐसे बौद्ध भिक्षुनी के मंदिर भी होते हैं, तो ये उन्हीं की लाइफ को फॉलो करते हैं और ये सब सन्यासी हैं। और यहाँ पर इनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है, अच्छी तालीम दी जाती है, एक नॉर्मल जो बेसिक जो एजुकेशन है वो तो दिया ही जाता है, साथ में फिर इनको हायर एजुकेशन के लिए भी भेजा जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो जैसे टिबेटन स्क्रिप्चर्स पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना, या पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना, इस बारे में इनको ज़्यादा सिखाया जाता है, सिंस दे आर बुद्धिस्ट, बिलोंग्स टू अ बुद्धिस्ट कल्चर।